Good morning, students. Myself Dr. Renu from Government Girls College, and today we are going to discuss about membrane. कल हमने बच्चों कोशिका के एक general introduction के बारे में अध्ययन किया था. आज हम उसी की continuation में कोशिका की जो झिल्ली होती है, outer membrane होती है, उसके बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे. मैम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव बैरियर, मतलब ये एक चयनात्मक बैरियर यानी कि अवरोधक का कार्य करती है. इट अलाउ सम थिंग्स टू पासेस थ्रू, ये कुछ चीजों को तो अपने अंदर से पास होने देती है, बट स्टॉप्स अदर, और कुछ चीजों को नहीं होने देती. सच थिंग्स मे बी मॉलिक्यूल्स, आयंस और अदर स्मॉल पार्टिकल्स. ये जो कुछ चीजें जो पास हो सकती हैं या नहीं हो सकती, जिनको ये रोक लेती हैं, उसमें हम इंक्लूड करते हैं अणुओं को, परमाणुओं को और दूसरे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको. अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड्स, एक जो जैविक मेम्ब्रेन या जैविक झिल्ली होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, क्या क्या सम्मिलित किया जा सकता है, इसके अकॉर्डिंगली इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कि कोशिका की जो मेम्ब्रेन्स होती है, कोशिका आवरण होता है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल और ऑर्गेनेल्स दैट अलाउज पैसेज ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यानी कि यह कोशिका या किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के बाहरी आवरण होता है, जो कुछ पदार्थों को या कुछ तत्वों को अपने अंदर से पास होने देता है या उनको अवरोध करने का या रोकने का काम करता है. सेकेंड वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच कवर्स अ सेल न्यूक्लियस, यानी कि यह जो न्यूक्लियस यानी कि हमारी कोशिका का जो केंद्रक होता है, उसके बाहरी आवरण का कार्य करती है. एंड टिश्यू मेम्ब्रेन्स यानी कि दूसरे जो टिश्यू मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी तरह भी फंक्शन करती है, सच एज म्यूकोसी एंड सिरोसी, यानी कि जो म्यूकोसा और सिरोसी लेयर्स होती हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली का उदाहरण होती है. थर्ड वन इज सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ये एक इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है बच्चों, जो ह्यूमन के द्वारा डेवलप की होती है, और मेनली इसका उपयोग होता है हमारे जो ये लेबोरेटरीज होती हैं और दूसरे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, सच एज केमिकल प्लांट, जो बड़े बड़े केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह चलती है, उनमें हमें पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, रोकने के लिए या परमिएबल करने के लिए हम सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स का यानी कि संश्लेषित झिल्लियों का प्रयोग करते हैं. Now we are going to discuss about the degree of selectivity, यानी कि ये जो अलग अलग तरीके की membrane होती हैं, ये किस चीज़ पे depend करता है कि ये कौन से अणुओं को अपने अंदर से पास होने देगी और कौन से अणु इसके अंदर से पास होकर के बाहर दूसरी तरफ नहीं जा सकते. The degree of selectivity of a membrane mainly depends on a membrane pore size, यानी कि membrane के जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के जो आकार होता है, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी में. डिपेंडिंग ऑन द पोर साइज मेम्ब्रेन्स कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि जो साइज होती है छिद्र की, उसके उसको आधार मानते हुए हम मेम्ब्रेन्स को या झिल्लियों को मेनली चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज एमएफ माइक्रोफिल्ट्रेशन, यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन एंड लास्ट एंड फाइनल इज रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, यानी कि ये चार प्रकार की झिल्लियाँ सामान्यतः पाई जाती हैं. मेम्ब्रेन प्रोसेसेस क्लासिफिकेशंस, यानी कि अब हम इन चारों जो झिल्लियाँ होती हैं, ये जो आवरण होता है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लें. फर्स्ट वन इज माइक्रोफिल्ट्रेशन. माइक्रोफिल्ट्रेशन रिमूव्स पार्टिकल्स हायर देन 0.08 to 2 micrometer एंड ऑपरेट्स विद इन अ रेंज ऑफ 7 to 100 kilopascals, यानी कि वो पार्टिकल जिनकी साइज 0.08 से लेके 2 micrometer तक होती है या उनके लगभग आकार के होते हैं, वही पार्टिकल्स माइक्रोफिल्ट्रेशन की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें से पास थ्रू हो सकते हैं, और उनका जो ऑपरेशन का सिस्टम होता है वो 7 to 100 kilopascal के बीच में ही यह काम करती हैं, उससे ऊपर या नीचे होने पर यह काम करना बंद कर देती है. माइक्रोफिल्ट्रेशन इज यूज टू रिमूव रेसिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड्स टू रिमूव बैक्टीरिया इन ऑर्डर टू कंडीशन द वाटर फॉर इफेक्टिव डिसइंफेक्शन एंड एज अ प्री ट्रीटमेंट स्टेप फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि माइक्रोफिल्ट्रेशन का प्रयोग हम मेनली जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जो नीचे जमने वाली चीज़ें होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए मेनली, जैसे कि हम पानी, जल को जब हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं, उसमें से बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, तो हम माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का उपयोग करते हैं. और एक दूसरा ये भी कहा जाता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले का जो स्टेप होता है वो माइक्रोफिल्ट्रेशन ही होता है. सेकेंड इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन रिमूव पार्टिकल्स हायर देन 0.005 to 2 micrometer
एंड ऑपरेट्स विद इन अ रेंज ऑफ 70 to 700 kilopascals, यानी कि वो पार्टिकल्स जिनकी साइज 0.005 से 2 माइक्रोमीटर के बीच की होती है उन्हीं को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, और इनकी जो रेंज होती है, वर्किंग रेंज होती है, वो 70 से यानी 70 से 700 kilopascals होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर मैनी ऑफ द सेम एप्लीकेशन एज माइक्रो फिल्ट्रेशन, यानी कि अधिकतर उन्हीं जगह पे काम में लिया जा सकता है जहाँ पे हम माइक्रो फिल्ट्रेशन यानी कि बैक्टीरिया को रिमूव करने या फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्पेशली होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं। सम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हैव ऑल्सो बीन यूज टू रिमूव डिसॉल्व्ड कंपाउंड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट सच एज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स वो भी होती हैं जो उन डिसॉल्व्ड कंपाउंड्स को अलग करने के लिए काम में ली जाती है जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, आणविक भार जिसे आप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ऑल्सो दे कैन रिमूव वायरसेस एंड सम एंडोटॉक्सिन्स, ये है वायरस यानी कि विषाणु और कुछ एंडोटॉक्सिन्स यानी कोशिकाओं के अंदर जो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं उनको रिमूव करने में भी हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का प्रयोग करते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन इट इज ऑल्सो नोन एज लूज आरओ, यानी कि इसको हम लूज यानी कि जो फ्री का थोड़ा सा छोटा आरओ का एक स्मॉल रूप कह सकते हैं, एंड कैन रिजेक्ट पार्टिकल स्मॉलर देन 0.002 माइक्रोमीटर, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम नैनो फिल्ट्रेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ सेलेक्टेड डिसॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर, यानी कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े वेस्ट वाटर प्लांट्स होते हैं, उनमें से हम वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो डिसॉल्व फॉर्म में मिलते हैं और बहुत माइन्यूट होते हैं जिनकी साइज 0.002 माइक्रोमीटर के लगभग या उससे भी छोटी होती है, उन्हें हम नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्लियर कर सकते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन इज प्राइमरली डेवलप्ड एज अ मेम्ब्रेन सॉफ्टनिंग प्रोसेस विच ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू केमिकल सॉफ्टनिंग, यानी कि ये प्राइमरली यानी प्राथमिक रूप से ये मेम्ब्रेन सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए भी काम में लिया जाता है, और ये एक अल्टरनेटिव प्रोसेस हो सकती है केमिकल सॉफ्टनिंग, यानी कि जब हम केमिकल्स की जगह इस मेम्ब्रेन का प्रयोग करके भी हम सॉफ्टनिंग की प्रोसेस ला सकते हैं मेम्ब्रेन। लास्ट वन इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज ऑल्सो कॉमनली यूज फॉर डिसैलिनेशन एज वेल। आरओ इज कॉमनली यूज फॉर द रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर रिमेनिंग आफ्टर एडवांस ट्रीटमेंट विद माइक्रो फिल्ट्रेशन, यानी कि वह पार्टिकल जो माइक्रो फिल्ट्रेशन जैसी एडवांस ट्रीटमेंट के बाद में भी वेस्ट वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रह जाते हैं उन्हें हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा पृथक कर सकते हैं। आरओ एक्सक्लूड आयन बट रिक्वायर्स हाई प्रेशर टू प्रोड्यूस डी आयोनाइज्ड वाटर, यानी कि आरओ का प्रयोग हम डी आयोनाइज्ड वाटर फॉर्मेशन की प्रोसेस में करते हैं। यह 850 से 7000 किलो पास्कल की रेंज में कार्य करता है। नैनो स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन। नाउ इट इज एन इमर्जिंग क्लास ऑफ मेम्ब्रेन रिलाय ऑन नैनो स्ट्रक्चर चैनल्स टू सेपरेट मटीरियल्स एट द मॉलिक्यूलर स्केल, यानी कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमें एक रेंज दे रखी थी, इतनी रेंज में काम करती हैं ये मेम्ब्रेन्स, और पोर की साइज भी दे रखी थी, मॉलिक्यूल्स की साइज दे रखी थी। नैनो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन जो है वो एडवांस मेम्ब्रेन होती है जो ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर की जाती हैं, और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर स्केल्स पे, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पर यह कार्य करती है, और छोटे से छोटे मॉलिक्यूलर स्केल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी हम इसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। दीज इंक्लूड्स कार्बन नैनो ट्यूब मेम्ब्रेन, ग्राफीन मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स मेड फ्रॉम पॉलीमर्स ऑफ इंट्रिंसिक माइक्रो पोरोसिटी एंड मेम्ब्रेन्स इनकॉर्पोरेटेड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक्सेट्रा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन एंड एडवांस साइंटिफिक मेथड्स। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों ये था मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका के जो आवरण होता है, बाहरी झिल्ली होता है, वो किस तरीके से एक सिलेक्शन का काम करती है कि कैसे हम कौन से पार्टिकल्स को रखें और कौन से पार्टिकल्स को हटाएं। इसके आगे हम कल सेल ऑर्गेनेल्स या फिर सेल से रिलेटेड कुछ फर्दर स्टडी के लिए कल क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा।